और हमरा टका पैसा नहीं चाहिए, जहना हमरा बच्चा के मार लेके ये जहना ओकरा बेटा के सजा मिलना चाहिए और गौरव को मिलना चाहिए। वो लड़की जे छे पिंकी मिस ओकरा भी सजा मिलना चाहिए, ठीक से नहीं तो हम अपना से मर्डर करबे जत्ते भी मिलते तत्ते। हाँ उसको फांसी सबको मिलना चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको जब हमको भी बर्बाद कर दिया तो उनको भी, अगर नहीं सरकार कानून कार्रवाई करेंगे तो हम मारेंगे गोली। मधेपुरा जिला के गमरिया प्रखंड में बीते 7 अप्रैल को एक निजी स्कूल के छात्रावास में मासूम सत्यम के निर्मम हत्या ने हर एक माँ बाप के दिल को झकझोर कर रख दिया है। 10 साल का मासूम सत्यम, जिसके अपने अनगिनत मासूम सपने होंगे, उनके माता पिता की बहुत सारी उम्मीदें उस मासूम से जुड़ी होंगी, उसकी छोटी सी नन्ही बहन भी अपने इकलौते भाई की कलाई पर कभी राखी बांध कर खुद को भाग्यशाली समझती होगी। उन सभी को क्या पता था कि उनके सपने पलक झपकते ही तिनके की तरह टूटकर हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि सत्यम, जिसे मामा कहकर उसके छेत्र साया में रहकर पढ़ता है, वही मामा अपना कुकर्म दुनिया की नज़र से छुपाने के लिए बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर उसके अस्तित्व को ही ख़त्म कर देगा। सत्यम की बड़ी बेरहमी से की गई हत्या ने उन सभी माँ बाप की रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, जिनके कलेजे का टुकड़ा, जिसे इस उम्र में अपनी माँ की आंचल और बाप के साये में रहकर पढ़ना चाहिए लेकिन गांव में शैक्षणिक माहौल नहीं मिलने की वजह से उस बेशकीमती दौलत को छोड़कर अपने मासूम कंधे पर अपने माता पिता की उम्मीदों का बोझ उठाकर घर से दूर एक अनजान जगह में अनजान लोगों के बीच स्कूल में रहकर सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद कर रहा है। इस हत्याकांड ने कहीं ना कहीं उन माँ बाप के दिलों में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया। ये मतलब सुनने को मिल रहा है कि करेक्टर का लेस था, नाजायज संबंध वगैरह की बात, उसके लिए हम लोगों को भी मालूम हुआ है और जितना भी आदमी उसमें टीचर है पुलिस को अविलंब उनसे पूछताछ करनी चाहिए, सच्चाई का अपने पता चल जाएगा क्या असलियत है। सबसे बड़ा बात, अब तो कुछ छुपा नहीं है, उस मैटम रिपोर्ट के आधार से पूर्ण रूपेण सत्य हो गया है, 100% जो उसको गला दबा के मारा है, तो फिर अब कुछ नहीं पसने क्या बात है, उसको अविलंब गिरफ्तार करे पुलिस, अंदर उसको तो कुर्की जब्ती करे, यदि नहीं कर पाती है पुलिस तो एक दो रोज हम उसका इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। आज सत्यम की हत्या हुए 10 दिन गुजर गए लेकिन उसका कातिल आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गमरिया पुलिस इस मामले में कोई भी जवाब देने से कतरा रही है और इन सब के बीच सत्यम के माता पिता के दिलों में बदले की भावना उफान मार रही है। सत्यम के माता पिता का साफ तौर पर कहना है, अगर जल्द से जल्द पुलिस गौरव और पिंकी को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजती है तो हम खुद उसे ढूंढ कर गोली मार देंगे। मैंने देख ली और जब जाइए तो विश्वास पर चल आ गई। एक को बच्चा था, एक एक को लड़की, एक एक लड़का रहे, कहियो भी नहीं हम घर पर रख लिए पढ़े। पति आप क्या करते हैं? वही ना बिजनेस कुछ भी करे, बाहर में रह के मजदूरी करते हैं। आपको शौक था कि हम बच्चे को पढ़ा? हाँ, हमारे बच्चा पढ़े के लिए जाइए ना, कोनो चीज कहे मम्मी अभी पास कर ले, हम दादा के जुए तो पढ़ कर सुने रहे और पढ़ाइयो वाला रहे, कुछ भी रहे, कत्ते जान जीव लगा के हम ओकरा पढ़े रहिए, मेहनत कए के अपना हम कुछ भी जब कह दे फोन पर मम्मी चीज चाहिए तो हम तुरंत ओकरा जाके दे रही, हम अपन घर वाला के भरोसे नहीं रहे। जब मामा किस हिसाब से वो कहता था? मामा सिगियोन में लहरा हमरो छे ना, ओकर घर छे लहरे, अथी सिगियोन ने ओकर गौरव, गौरव का हां वही चिन्हा पहचिन रहे तो वही तरफ से बोले रहे मामा। और हमरा टका पैसा नहीं चाहिए, जेना हमरा बच्चा के मार लेके ये जेना ओकरा बेटा के सजा मिलना चाहिए और गौरव को मिलना चाहिए। वो लड़की जे छे पिंकी मिस ओकरा भी सजा मिलना चाहिए, ई दू चारो सबटा मिल के हमरा बच्चा के मार लेकै और हमरा नहीं कुछ चाहिए, न्याय देते ठीक से नहीं तो हम अपना से मर्डर करबे जत्ते भी मिलते तत्ते, और हम कुछ नहीं चाहिए, हमरा कोनो चीज नहीं चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सब तक क्या कार्रवाई की पुलिस? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। बोल रहा था जो हमें एक हफ्ते बाद कानून कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो उस जब नहीं सिलेंडर होगा तो हम उसका कुर्की करेंगे, कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। सब अगर नहीं सरकार कानून कार्रवाई करेंगे तो हम मारेंगे गोली उसको, मेरा यही सिद्धांत है, अगर कानून कार्रवाई उससे नहीं होता काम तो हम करेंगे उसका काम,
हम ढूंढ निकालेंगे, ऑर्डर दीजिए सर। कै गो लड़का था? एक ही लड़का था मेरे को, उसके लिए मैं जान पर खेल जाऊंगा बस। सत्यम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ तौर पर जाहिर होता है कि सत्यम की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है। जबकि स्कूल संचालक गौरव कुमार ने अपनी सफाई में कहा था कि पेट में काफ़ी तेज दर्द होने से सत्यम की मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह खुलासा कर दिया है कि सत्यम की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई। हालांकि अपने जुर्म को छुपाने की पूरी कोशिश स्कूल संचालक गौरव कुमार ने की ताकि हत्या को बीमारी के कारण हुई मौत में बदला जा सके, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। सत्यम की हत्या करने की वजह स्कूल संचालक गौरव कुमार का अपने ही स्कूल की एक शिक्षिका से अवैध संबंध था, जिसको सत्यम ने देख लिया था और यह बात सत्यम ने अपनी माँ को भी बताई थी और सत्यम को किसी अनहोनी का डर पहले से ही था। क्या क्या हुआ था सत्यम के साथ? आप तो उसकी माँ, सारा सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी और आप ही जाते आते थे स्कूल से मिलने में, क्या माजरा था? दो महीना पहले गेल रही तो बोल रहे कल कोनो तरह की दिक्कत आर नहीं छो, कत कल के दिक्कत तो नहीं, गौरव बहुत गंदा छ, हम स्कूल में नहीं रह, और मिस जे रहे पिंकी कल के मम्मी जाने छी बहुत गंदा छ, हम स्कूल में नहीं रह, और इहो कहल के अगर स्कूल के बाहर जब कोनो तरह के बात बतेते गार्जियन के तो बच्चा के जान से मार दे, तो हमें डर के मारल हम घर पर आबि के नहीं बोलिए। तक बाद हम कल कि फिर ले लाब तो हम घर अलिए, तक बाद फिर गलिए 24 तारीख के फोन कर लिए, दू दिना तिना फोन करिए तो बाते नहीं करबे, तो फिर बात भी नहीं करे बच्चा, तो फिर भी गलिए हम स्कूल पर, तो हम कल कि तू बात आर नहीं करबे से तो हम निकाल लो स्कूल में नहीं रखब, तो हम कल कि हम स्कूल उ कल के हम स्कूल पर नहीं रहे छे, हम चल जाए थाना आर पर मुखिया से ठार भेल छे तो हमरा टाइम नहीं मिले छे, कल के बात आर करे के जब मौका मिलते तो साँझ आर के 7 बजे के टाइम में करिए फोन, 7 बजे के हम फोन करिए तो कहियो ने बात करब, तब जे फिर गलिए 24 तारीख के तो एकना एक जैस पहले हम फोन कर लिए 22 तारीख के, तो कल के मम्मी किताब आर सैठ गए किताब देवी तब ना पढ़े, तो हम गलिए स्कूल पर थोड़ा सब चीज दिलिए, हम लैक घर से जे सब चीज गेल रही सामान आर सब चीज दिलिए रख ले, तो हम गोदी में बैठलिए वो चाट खरीद के लैक गेल रही पसंद है बेसी चाटे उ खाए रहे, तो हम बैठा के खेलिए, तो ओना से हम फोन करके नहीं गए अनचौक में गेल रही स्कूल पर, तो मास्टर और गौरव कल का नहीं छे अथी पर घर पर रूम पर नहीं रहे मिसेटा रहे, तो हम बैठलिए तो एक बेर नहीं हमरा बच्चा के संग छोड़े जो कोनो तरह के मौका मिलते तो हमरा कहते, जने जने जाइए ओकरा लेके हम बाहरों गलिए स्कूलों घूमे ले, तो जना कि कोनो तरह के पछाऊ नहीं छोड़ल एको बेर नहीं हमरा कुछ बतेती, खाना आर खिया लिए सब चीज, तब कहलक कि जे मम्मी कहल कि जे दिक्कत आर नहीं छो कुछ तो कहलक नहीं मारे आर तो नहीं छे लेकिन एगो बात बतेबो, तो कहलिए हमरा कही, तो ई गप जे कहलक तू मिस ताके लागल एक पर तखनी से ओ गुम भले तखनी से बोलबे नहीं करे कुछ, तो कहलक मम्मी एतबे के मम्मी हमें जे 26 तारीख हमरा घर जेबो हम नहीं रह आब स्कूल में, तो हम कहल कि ठीके छे आगा में ब्याहो शादी रहे, तो कहल कि आब 5 दिन ला की हेतु ब्याह में लै जब तो 10 दिना कहल गौरव कहने रही 10 दिना 15 तारीख के छुट्टी हेतु गर्मी के महीना ना रहते तोहर बच्चा घर पर, हम वही सोच के नहीं ध्यान दिलिए, और कि भले खाना आर दिलिए सब चीज खाए ले खेलक उ फिर फोन अल वो मिस के फोन अल पिंकी मिस के, वो अंदर गए अंदर गए मिनट नहीं ला ले तुरंत फिर उन्हें लौट ले, कहल हाँ जाइए ना बहुत टाइम हो गया है जाइए आब गेट हम बंद करेंगे, तो हम कल कि हमारे बच्चा तब कल मम्मी रुकिए तो किताब आर पहले पढ़े रही सब किताब हमरा निकल के दिल्क ठंडी में कपड़ा आर देने रही सब चीज निकल के दिल्क कल के सोनी पढ़ते लैक जो, तब फिर हम लैक चल अलिए गेट पर, हम कल गेट पर अलिए गेट पर से हमरा कुछ फूट गए फिर हम अंदर गलिए, तो कहलक कि मम्मी लबका चप्पल हमर दिल्ली नहीं सोनी ली पुरनका लैक घर चल गए, तो हम फिर चल गए अंदर स्कूल हम गलिए ना, तो कहल कि मर एत सुत रही तो बैड आर कहाँ छो, कहलक हमरा बाहर कह दिल्क वह जी देखलक एकदिना सुतल में वही दिना ओकरा मारपीट करलक तो बाहर कह दिल्क सब बच्चा को ने बसवर तरफ सुत बनेलक एक चारी दैके घर वही में रहे कोई अंदर वाला रूम में नहीं दे रहे, देखलिए तो ओकरा बुरा तरह से ओना कहलक मम्मी मच्छर आर बहुत काटे आब नहीं रह स्कूल में, कल अच्छा जाए छे आब अगला महीना में छुट्टी हेबे ने करते तो हम अपन घर जाए कुछ सोचब,
बस ओत से लैके हमें ओत भी उ गल मिस एको बेर नहीं छोड़क चीज बतैतिए कुछ ओत से बाहर लै गलिए एतो कुछ कहते बहुत प्रयास कलिए बोल कि नहीं हम घर जो तब बतेबो घर जो तब बतेबो फिर तक बाद गलिए अलिए ओत से तक बाद पावन दिना तो नहीं आबे दिल्क आ तक बाद फिर गलिए मंगल दिना नस्ता आर बना के संदेश आर लैके गलिए हमार भाई रे संग में हमें रही तो गेट पर से तलार नहीं खोल एको बेर सामान आर सब लै लल्क टका लैके गए 5000 ओहो लल्क रसीद भी हमरा 2 साल से नहीं दिल्क एको टका के कल्क मामा भगना के रिश्ता है तो बेमानी ही है तोहर सब चीज ठीक है हमरा लै लल्क तो कल कि हम बात करब कल अखनी क्लास चले डिस्टर्ब नहीं करिए टाइम नहीं है अखनी तो हम बहुत जिद कर लिए भेंट करब लेकिन नहीं दिल्क 7 अप्रैल की सुबह को जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में सत्यम की लाश को सत्यम के परिजनों ने जब देखा था तो उन्हें उसी समय यह पता चल गया था कि सत्यम की मौत बीमारी से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि सत्यम की लाश काफ़ी अकड़ गई थी, जो यह साबित करता था कि सत्यम की मौत को काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं। इन सब के बावजूद इन स्कूल संचालक को गम्हरिया पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करना मुनासिब नहीं समझा। हमें दरवड़े मारने जो अंदर गलिए तो हमारे बच्चा के तमाम बजे रहे गाड़ी पर गाड़ी पर बजे रहे तो हम देखिए देख के गरहोश भाग गिर गलिए तो फिर हमारा जो होश अल आर मुँह जो उघारे तो हमारा बाबू के हाथ तात एना भेल रहे कटवाएल रहे पूरा तरह से। अच्छा। अगर हमार हम कल तो कि अगर हमारे बच्चा जो मरतिए अखनी तुरंत तो सब चीज़ तो लूज रहती है पूरा काट कोरो भेल रहे सब चीज़ हम अगर मुँह तो पूरा रगड़े लाली देते हमार गरहोश भै लिए और पाद पता हमारा बेटा के मारिक लैके लिए कहियो नहीं बात करब रहे एक फाँस ले गप जो कहलिए सिंहेश्वर घुसे घुसे में उतर गए चलते पर से गौरव थक गए और दू बच्चा साथ में जाबे रहे एगो ओकर दोस्त रहे एगो भनसा बनबे रहे से रहे और कतबो प्रयास कलिए कह हमारा कि बाबू के लेकिन कोई नहीं कुछ बतेल तक बाद हम रोड पर लै गए रोड पर हम बाबू के मुँह में रगड़े लाली तब हमरा लगे कि कुछ कहे तब हम देखे पूरा ठोर तोर कचम कच भेल रहे जहना हमरा बाबू के मारलक नाक दबा के इस छिल्ला बजा रहे गला पर निशान भी रहे अतवा के फूलल रहे आँख में भी खून जमल रहे एत आर सगठे चेन रहे अठना पूरा रहे चेन अहू कोने में गड़ल रहे अहू में रहे गड़ल नाक भी चाम टूटल रहे पूरा तरह से सब चीज भेल रहे ठोर में भी रहे दाँत पूरा कचम कच भेल रहे पीठ पर भी वदारल रहे बेल्ट से लेकिन हम कहियो एक चाट भी नहीं मार लिए बच्चा के आ 5 साल से स्कूल में रहे रहे आइए से हमारे बच्चा नहीं रहे। सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि गम्हरिया पुलिस सत्यम हत्याकांड में काफ़ी सुस्ती बरत रही है। सत्यम की हत्या को 10 दिन गुजर चुके हैं, बावजूद इसके इस मामले में पुलिस का अनुसंधान अभी तक जारी ही है। गम्हरिया में एक बच्चे की छात्रावास में ही हत्या कर दी गई थी सर, क्या मामला था, क्या अब तक खुलासा हो पाया है? इस मामले में जो मेन अभियुक्त है जो वहाँ स्कूल का संचालक है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। माननीय न्यायालय से NBW प्राप्त करने के लिए रिक्विजिशन ली जा चुकी है और इस मामले में अनुसंधान चल रहा है। NFSL की भी टीम आई थी, हम लोग जल्दी इसमें आगे की जो कार्रवाई है वो पूर्ण करेंगे। कि कुछ लोग पत्रकारिता का चोला तो पहन के रखते हैं लेकिन असली काम वो कुछ और करते हैं और इससे पूरे प्रोफेशन का नाम बदनाम होता है। तो मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करें और हमारी तरफ से कांड में जो लीगल कार्रवाई बनती है वो तो हम बहुत ही स्ट्रिक्टली करेंगे इसको। वहीं दूसरी तरफ सत्यम हत्याकांड में मधेपुरा के जनप्रतिनिधियों की जुबानें भी मानो किसी ने सील दी है। इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है कि अगर स्कूल संचालक गौरव कुमार सिर्फ स्कूल संचालक ही होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन गौरव एक हिंदी अखबार का प्रखंड रिपोर्टर भी है, इसलिए इस मामले में पुलिस सुस्ती दिखा रही और जनप्रतिनिधि खामोश है। अच्छा, आखिर क्या वजह है पुलिस उसको गिरफ्तार करने से, मतलब कितना ज्यादा पावरफुल था गौरव? नहीं नहीं, पावर इसमें है कि वो पत्रकार है, पत्रकार लोग उनका मदद कर रहा है, कुछ नेता लोग मदद कर रहा है। अच्छा, पत्रकारिता में? हाँ, इसी कारण से हो रहा है। अच्छा। तो आप मान लीजिए यदि किसी अन आदमी का होता तो अभी तक में बहुत कुछ हो जाता, नहीं हो पाना हम लोगों के लिए शंका का विषय है। आखिर किस कारण से पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है, अन्यथा उनकी कुर्की नहीं हो पा रही है, इनका तो कुछ कारण है जो हम लोगों को शंका बना हुआ। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या महज एक प्रखंड रिपोर्टर होने की वजह से गौरव अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है या पर्दे के पीछे कुछ और ही बात है। गुप्त सूत्रों के ये भी पता चला है कि रात के अंधेरे में और भी कई पत्रकार गौरव के स्कूल पे जाया करते थे और अहले सुबह निकल जाया करते थे,
इसके अलावा ये भी सुनने को मिल रहा है कि मारपीट के बाद सत्यम की हालत जब बिगड़ने लगी तो उसे सुपौल जिला के किसी निजी क्लिनिक में भर्ती कराकर इलाज कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही सत्यम की मौत हो गई थी, जिसके बाद सत्यम की लाश को वहां से लाकर कहीं छुपा कर रखा गया ताकि हत्या को बीमारी से हुई मौत में बदलने की रूपरेखा तैयार की जा सके। सुपौल में सत्यम की इलाज कराने और रात के अंधेरे में गौरव के स्कूल में कुछ पत्रकारों के आने वाली बात में कितनी सच्चाई है, इसका दावा हम नहीं करते हैं और ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं। ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही इसकी सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन सत्यम के हत्या के बाद जांच टीम को स्कूल कैंपस से भारी मात्रा में कॉन्डम मिलना और इस मामले में गम्हरिया पुलिस की सुस्ती बहुत कुछ इशारा कर रही है। स्कूल में जांच टीम को कॉन्डम मिलने वाली बात की तस्दीक सत्यम के बड़े पापा ने रिपब्लिकन टाइम्स के कैमरे पर की है। टीम आया था जांच करने के लिए पुलिस भागलपुर से। अच्छा, फोरेंसिक टीम आई थी जी। अच्छा, क्या क्या जांच किया था उसमें? उसका रजिस्टर पाया गया और सीसीटीवी कैमरा पाया गया। हाँ। एक बुलेट पाया गया, बुलेट गाड़ी, वो हवाई जो एकदम अथी है रिक्शा। अच्छा, वो भी ले गया है। अच्छा, वहाँ से और भी कुछ आपत्तिजनक सामान और आपत्ति वाले वो कंडम मिला है 61 पीस 61 पीस कंडम मिला है स्कूल प्रांगण से। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल यह भी हैरान करने वाली है कि आखिर बिना यूडाइस कोड और बिना स्वीकृति के पिछले कई सालों से एक प्रखंड रिपोर्टर गौरव कुमार सड़क के किनारे एक भाड़े के मकान में सेंट माइकल प्ले स्कूल नामक स्कूल कैसे आज तक चलाता आ रहा था? इतने सालों में शिक्षा विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है जो सत्यम हत्याकांड से जुड़ा है। इसके अलावा कोरोना को लेकर सरकार द्वारा निजी और सरकारी सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया था, तो गौरव अपने स्कूल को किसके आदेश पर खोल के रखा था? बिना यूडाइस कोड और बिना स्वीकृति के पिछले कई सालों से स्कूल चलाना यह साबित करता है कि गौरव की नज़र में नियम कानून कोई मायने नहीं रखता था, और वो भी एक जिम्मेदार पत्रकार भी नहीं था, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए उसने पत्रकारिता को चुना और पत्रकारिता की आड़ में आज तक बिना यूडाइस कोड और बिना स्वीकृति के ही स्कूल का संचालन करता आ रहा था। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल चलाने वाले की बात है, जो गौरव नाम का एक व्यक्ति का नाम उसमें आ रहा है और गम्हरिया में वो स्कूल चला रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि ना तो उसको यूडाइस प्राप्त है और ना ही वो प्रस्वीकृति प्राप्त है। अब ये जांच का विषय है सरकार के लिए और यहाँ के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के लिए कि बिना यूडाइस कोड का और बिना प्रस्वीकृति का स्कूल कैसे चल रहा है। एक तरफ जहाँ आप प्रस्वीकृति लेने के लिए विभिन्न प्रकार के मापदंड का आप जो है खोज खबर लेते हैं, जहाँ एक तरफ यूडाइस के द्वारा आपके पास एक आंकड़ा जाता है कि भाई इतने स्कूल हमारे जिला में संघर्ष चल रहे हैं, तो फिर यह स्कूल कहाँ से आया और आया तो इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? प्राइवेट स्कूल की जहाँ तक बात है, हम लोग भी इससे अनभिज्ञ हैं और इस तरह की घटना एक छात्रावास में होना, ये प्राइवेट स्कूल चूँकि नाम जुड़ा हुआ है तो शर्मिंदगी की बात है, लेकिन उससे भी बड़ी और दुखद बात है कि इस एक बच्चे की हत्या हो जाती है और एक बच्चे को वहाँ पर मार दिया जाता है, और भी संचालक के द्वारा। मैं इसके लिए सरकार से भी मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति पर स्पीडी ट्रायल हो और कठोर से कठोर सजा उसे मिले, और सरकार से मांग करता हूँ कि आप उस बच्चे के परिवार के जो लोग हैं उन्हें आप 10 लाख का आर्थिक मुआवजा तत्काल मुहैया आप करवावें। यही मेरी मांग है, यही मेरा कहना है। अभी हाल में ही मधेपुरा शहर में लूट की एक बड़ी घटना घटी थी, उसमें भी दो फर्जी पत्रकार शामिल थे। पिछले माह मधेपुरा जिला के कई पत्रकारों पर पत्रकारिता के आर में रंगदारी मांगने का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, और अब पत्रकार गौरव कुमार पर एक मासूम बच्चे की हत्या, स्कूल की शिक्षिका के साथ अवैध संबंध रखने जैसे शर्मनाक इल्ज़ाम लगना निश्चित तौर पर पत्रकारिता पर एक काला स्याह है। इन जैसे पत्रकारों की वजह से ही पत्रकारिता की छवि धूमिल हो रही है, समाज में पत्रकारों की इज्जत खत्म होने के कगार पर है। इसलिए ऐसे कुकर्म करने वाले पत्रकारों की मुखालफत उन सभी पत्रकारों को करनी चाहिए जिनकी नज़र में पत्रकारिता की इज्जत आज भी बरकरार है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। पत्रकारिता ने लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अपने आप ही प्राप्त नहीं किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही दर्जा दिया है। कोई भी लोकतंत्र तभी तक सशक्त है जब तक पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनाए। बहरहाल
अब देखना दिलचस्प यह होगा कि सत्यम को इंसाफ दिलाने में मधेपुरा पुलिस और कितना समय लेती है, और इस पूरे मामले में मधेपुरा के जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभा पाते हैं। कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मेल मिलावट में लगा हुआ है, जघन अपराध को छुपाने के चक्कर में लगा हुआ है। वही जनप्रतिनिधि है जो प्रशासन को रुक के रखा हुआ है। हम लोग को जो पता चला है जो घोर निंदनीय है, हम उस प्रतिनिधि से भी चाहते हैं कि सत्यम के बारे में पूर्ण रूपेण मर्डर का समर्थन करें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार से निकला है उसको गिरफ्तारी करने में सहयोग करें। और हमारा जो कहना है व्यक्तिगत, बहुत घिनौना और दर्दनीय, तरपा तरपा करके मारा है उसको, बच्चे को। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता होना संभव नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? लल्लू जाधव।